केंद्रीय बजट में बिहार को मिले पैकेज पर दो तरह के विरोधी बातें आ रही हैं। एक तरफ तो विपक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि यह बजट बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट बनकर रह गया है। कहने का मतलब है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए तो बहुत कुछ किया गया, पर अन्य राज्यों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ आरजेडी इस पैकेज को झुंझुना बता रही है। पार्टी के लोगों का कहना है कि इस पैकेज में अधिकतर वो योजनाएं हैं जो 5 साल से चल रही हैं। आरजेडी नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक्स पर लिखते हैं कि आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। तेजस्वी लिखते हैं कि रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत निर्धारित एवं आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करें। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधे के साथ साथ युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। तेजस्वी की बातों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, न ही उनकी बातें पूरी तरह से सही कही जा सकती हैं। ये तो मानकर चलना चाहिए कि जो कुछ मिला है वो स्पेशल स्टेटस की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कम नहीं है क्योंकि बजट में 26,000 करोड़ रुपए के 3 एक्सप्रेसवे, 21,000 करोड़ रुपए का 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज और कई एयरपोर्ट दिए जाने का प्रस्ताव शामिल है। आइए देखते हैं कि बिहार को मिले पैकेज का हकीकत और फसाना क्या है। केंद्रीय बजट में बिहार को 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। इस पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया दी है कि राज्य में हत्या और चोरी हो रही है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और किसानों की समस्या अभी भी बरकरार है। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए आवंटित करना बिहार को झुंझुना देने के बराबर है। मैडम, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लोगों ऐसा को आगे मत करिए, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है बिहार के। अरे लोगों भगवान भरोसे राज चल रहा है, विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। कहीं पुल टूट रहा है, कहीं दहाड़ा है, बाढ़ा, मर्डर हो रहा है। सब काम बिहार में होगा। बिहार में दंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है बिहार। लालू जी, बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं मिला। बिल्कुल निराशाजनक रहा और ये झूठा पर जाने के लिए दे दिया। आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार को धोखा देने वाला बजट बताया। हमको नहीं उम्मीद है कि बजट में सब लोग लाएगा, लेकिन हमारी मांग रहेगी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए और हमारी पूर्ववत मांग है। आज नहीं, हमारा ही मांग पर सब लोगों ने समर्थन किया और दोनों सदनों से पास होकर केंद्र को भेजा गया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए और नहीं विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरने का काम करेंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कह दिया कि कोई मापदंड तो बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया ही जा रहा है, इसलिए बिहार के साथ सौतेलापन किया जा रहा है व्यवहार। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि समर्थन वापस के लिए और इसकी लड़ाई हम सड़क पर साथ मिलकर लड़े। लेकिन आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव एक समय में केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका में रहते थे, तो क्यों नहीं उस समय स्पेशल स्टेटस? नहीं, आज उनको देने में क्या दर्द हो रहा है? कोई दर्द हो रहा है उन लोगों को? ये केंद्र में बैठे हुए हैं 8-8 मंत्री, इन लोगों को तो तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, हम रिजाइन करते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।